आज आगरा रावली पुल के नीचे कुछ अज्ञात लोगों द्वारा बड़ी बेरहमी से पत्थर से सिल कुचलकर हत्या को अंजाम दिया गया। मृतक सोनू जूते के फैक्ट्री में बाटम का कार्य किया करता था। सुबह शौच के लिए आए लोगों ने सोनू को पहचान कर उसके परिजनों पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही मौके पर पहुंचे बटोना पुलिस SSP सिटी विकास कुमार और CO दीक्षा सिंह पहुंची। पुलिस ने तहकीकात करते हुए शव का पंचनामा भर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हत्यारों का अभी तक पता नहीं चल सका है। पुलिस पूर्णतः ही तहकीकात में लगी हुई है। मृतक के ताऊ ओम प्रकाश व भाई देवेंद्र ने पुलिस से हत्यारों को शीघ्र पकड़ने की गुहार लगाई है। जी, यहाँ पर मंडोला थाना क्षेत्र में एक सोनू नाम के व्यक्ति की, जिसकी उम्र 26 साल है, उसकी डेड बॉडी मिली है। और यहाँ पर हम तहकीकात कर रहे हैं। जूते की फैक्ट्री में काम करते हैं और डेड बॉडी के पास एक पत्थर मिला है जिसमें खून लगा हुआ है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और विधिक कार्यवाही की जा रही है। मामले की पूरी छानबीन की जा रही है। लड़का, हम तो वहाँ सेमरी रहते हैं और सुबह हमें फोन गया था किसी का, तो जैसे ही हम आए और देखा है आके तो मर्डर का केस है। शिनाख्त कैसे हुई जी? डेड बॉडी की शिनाख्त फोन है साहब, फोन किया था किसी ने मेरे पास, तो मैं वहाँ से चला आया हूँ। बच्चे भी आ गए मेरे से, घर वाले भी। हम इंद्रा में रहने वाले हैं। लड़के की उम्र 26 साल है और अपना सूचना मिली थी कि लड़का नाम है पुलिस रेड से चालक व्यवहार कैसे रहता है। खाली कभी का ड्रिंक कर लेता लड़का हमारा छोटा वाला, वहाँ पे जी के इतना ही पता जेब में। मैंने तो मटर ही है सर, दो मटर का केस है, पत्थर से मार लगा और सूर्य हमें मार पाया। हम तो हमारे हाथ तक कप आ गए। करते थे रायनगर काम करते थे, किस चीज़ का काम जूते काम करते थे।